दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 100 FIR दर्ज की। सभी केस प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेंस एक्ट के तहत दर्ज किए गए। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में राज्य का नौवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली का 78,000 करोड़ का बजट पेश किया। 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर समेत 3 ISBT वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का किया ऐलान। झारखंड के शराब व्यापार से जुड़े योगेंद्र तिवारी के देवघर और दुमका में 2 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी। आयकर विभाग की 8 सदस्य टीम कल से कर रही सर्वे। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज कि लोग घर और दफ्तर से बाहर निकले। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 से ज्यादा मापी गई। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मंगलवार देर रात 10:15 में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत हो गई, 302 घायल हो गए। वहीं अफगानिस्तान में भी 2 लोग की गई जान। लखनऊ के दक्षिण कोरिया के जोगो भिक्षु संघ का अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, जिसमें CM योगी ने शिरकत की। कार्यक्रम में जोगो भिक्षुओं को किया गया सम्मानित। योगी सरकार के 2.0 के 1 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के तुलसीपुर स्थित देवी पाटन मंदिर परिसर में पुलिसकर्मियों की महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी ने चैत्र नवरात्र के पहले दिन शक्तिपीठ की महापटेश्वरी विधि विधान से पूजा किया। मां की स्तुति करने के बाद दुर्गा सप्ताची का पाठ किया। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन सुल्तानपुर में प्रथम मात्रा शैलपुरी की विधि विधान से हुई पूजा। बुलंदशहर के खुर्जा में नवदेवी दुर्गा मंदिर में चैत्र नवरात्रि शुरू। मंदिर में भक्तों की देखी गई भारी भीड़। अलीगढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके देर रात 10:20 में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों के बाद अपने घरों से बाहर दौड़े लोग। सिद्धार्थनगर में इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट, जिसको लेकर 10 बेड का एक वार्ड बनाया गया। सभी कर्मचारी को मास्क लगाने के दिए गए निर्देश। एटा में पिकअप और स्कूली वैन में हुई भीषण टक्कर, हादसे में 6 बच्चे हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में ABP के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूंका। राजस्थान के लोग पेपर मामले में ABP ने जयपुर में 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रायबरेली में जिला अस्पताल परिसर के बाहर खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस पर हुई कार्रवाई। SRTO विभाग और पुलिस ने 5 एम्बुलेंस का किया चालान। 2 एम्बुलेंस के कागजात पूरा होने पर ना होने पर किया सीज। बिजनौर में तेज रफ्तार उत्तराखंड रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में तेज रफ्तार गन्ने की ट्रॉली में घुसी कार, कार समेत सवार 3 लोग की मौके पर हुई मौत। 1 युवक गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी के जैतपुर गांव में CC निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात न मानने पर उपरोक्त लोगों के खिलाफ प्रधान ने थाने में तहरीर दी। फरुखाबाद में राज्य मंत्री शुक्ला ने आंगनवाड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और महिला ग्राम प्रधानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण का आश्वासन भी दिया। अमरोहा में लगातार मूसलाधार बारिश से जर्जर मकान गिरा, सतर्कता से लोगों की बची जान। हादसे से पहले मकान में 15 लोग मौजूद थे। अलीगढ़ में सरकारी शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता छोड़ चेन्नई मिस्त्री बन गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल।
मुरादाबाद में यूपी डायल 112 गाड़ी में बैठकर घूमने का वीडियो वायरल, पुलिस ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान, पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। गोरखपुर में नवरात्रि में लॉन्च होगी रोरा और मेडिसिटी टाउन, सीएम योगी करेंगे शिलान्यास और भूमि पूजन। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मिर्जापुर स्थित विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को मां विश्वकर्मी के भक्तों को दर्शन किए, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कन्नौज के सिद्धपीठ मां भूलवती देवी मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा व्यवस्था के मंदिर में पुख्ता इंतजाम, महिला पुलिस कर्मियों की भी लगाई गई ड्यूटी। अलीगढ़ के अग्रवाद कस्बा इन चार दरोगों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जांच के दिए गए आदेश। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने संस्कृति विभाग द्वारा हेमवती नंदन बहुगड़ा कॉम्प्लेक्स में उत्तरा समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने पर्याप्त स्टाफ न होने के साथ साथ वॉल पेंटिंग और कार्यकारों द्वारा बनाए गए चित्रों की सफाई न होने पर आक्रोश भी जाहिर किया। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जौलीग्रांट हवाई अड्डे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सिफारिश की, जिसको लेकर कांग्रेस ने खड़ी किया सवाल। राजधानी देहरादून की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो विक्रम अब आपको नहीं दिखाई देंगे, परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया।